नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के कृषि जगत को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। पीएम मोदी आज 35 नई फसलों की वैरायटी को देश को समर्पित करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक स्ट्रेस टॉलरेंस रायपुर के नए परिसर का भी लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम में पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लेंगे। ट्वीट में पीएम मोदी ने जानकारी दी है कि नई फसलों की वैरायटी को आईसीएआर ने काफी रिसर्च के बाद तैयार किया। इन नई फसलों के जरिए जलवायु परिवर्तन और कुपोषण के प्रभाव को कम किया जाएगा। फसलों की वैरायटी के चयन के ऐसी फसलें भी रहने वाली हैं जो आसानी से सूखे की मार झेल सकती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला चावल भी तैयार किया गया है। बाजरा, मक्का, बकवीट जैसी फसलों की अलग वैरायटी भी देश को मिल सकती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वाल्मीकि समाज और अग्रवाल समाज के लोगों ने सीएम हाउस में मुलाकात की। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव कृषि वेदी ने विधायक विश्वर सिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल मिला। मुलाकात के दौरान राज्य स्तरीय वाल्मीकि जयंती समारोह में मुख्यमंत्री से बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने का आग्रह किया गया। अग्रवाल समाज के लोगों का भी एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिला और अग्रसन जयंती कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का अनुरोध किया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में इजाफा होने के साथ ही देश में पेट्रोल और डीजल के दाम में रिकॉर्ड ऊंचाई हुई है। लंबे समय से स्थित पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। डीजल के भाव में लगातार तीसरे दिन बढ़ोतरी। पेट्रोल देशभर के शहर में 20 से 22 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हुआ है, जबकि डीजल का भाव 25 रुपए प्रति लीटर बढ़ा। दिल्ली के बाजार में पेट्रोल 101 रुपए 39 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है, जबकि डीजल 89 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर बिका। बल्लभगढ़ में लगातार शिकायतों के चलते हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ के लघु सचिवालय स्थित कार्यालय में पहुंचकर कामकाज का जायजा लिया। कैबिनेट मंत्री के लघु सचिवालय पहुंचने से ही कर्मचारियों में हड़कंप मच गया और दलाल वहां से भाग खड़े हुए। मंत्री बनने के बाद मूलचंद शर्मा इस तरह की पहली छापेमारी की। किसानों के भारत बंद पर पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि वो किसानों की मांगों का समर्थन करते हैं और बातचीत कर सरकार को ये मसला हल करना चाहिए। कांग्रेस के विरोध पर कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि जब बात नहीं सुनी जाती है तो विरोध जताना ही तरीका बचता है। किसानों से सरकार को बातचीत करनी चाहिए। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बातचीत वाले बयान पर दीपेंद्र ने कहा है कि कृषि मंत्री के बयान में विरोधाभास है। अगर उन्हें किसानों की मांगें माननी ही नहीं है तो बातचीत करने का क्या फायदा। रेवाड़ी में पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। भारत बंद में किसानों को मिला समर्थन। कैप्टन अजय यादव ने रेवाड़ी के अहिर कॉलेज प्रॉपर्टी विद्या में केंद्र मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर निशाना भी साधा। बेरोजगारी, नशाखोरी और बढ़ती गुंडागर्दी को लेकर सरकार को घेरा। कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसानों के धरने को 10 महीने पूरे होने पर सोमवार को किसान संगठनों ने देशव्यापी भारत बंद किया। भारत बंद को लेकर फरीदाबाद के विधायक नरेंद्र गुप्ता ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि धरने पर बैठे लोग किसान नहीं है, बल्कि कुछ राजनीतिक लोग किसानों की आड़ में धरना दे रहे हैं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दलों ने 10 घंटे के लिए बुलाए गए भारत बंद का समर्थन किया। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि भारत बंद को कांग्रेस और उसके कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से समर्थन हासिल है। हिसार में व्यापारी प्रतिनिधिमंडल ने अनाज मंडी में एक बैठक की। बैठक की अध्यक्षता हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रतिनिधि अध्यक्ष और हरियाणा कॉन्फेड के पूर्व चेयरमैन बजरंग गर्ग ने की। व्यापार मंडल के अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने उपस्थित व्यापारी प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि किसान संगठनों के आह्वान पर सोमवार को हरियाणा की मंडियों में पूर्ण रूप से हड़ताल रही। उन्होंने कहा है कि बड़ी कंपनियां किसानों की फसल गांव और खेतों में ओने पौने दामों में खरीदकर अनाज का भंडार उनके उसी अनाज को भारी मुनाफा कमाकर जनता को लूटने का काम करेंगे। बजरंग गर्ग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को किसान संगठनों से बातचीत कर 3 कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। किसानों को भारत बंद और भाजपा राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा के बयान पर चौधरी बीरेंद्र सिंह ने पलटवार किया।
चौधरी बीरेंद्र सिंह बोले जो आंदोलन 10 महीने से चल रहा है उसमें कोई भी बात होगी, ये किसान विशेष स्थान का आंदोलन नहीं है, किसान आंदोलन बढ़ता हुआ नजर आता है। चौधरी बीरेंद्र सिंह बोले सरकार को किसानों से बातचीत करनी चाहिए, अब मौका है, सरकार किसानों को विधिवत रूप से आमंत्रित करे, जिस दिन संवाद पूरा होगा तो समाधान भी निकलेगा। चौधरी बीरेंद्र सिंह बोले राजनीतिक जीवन रामचंद्र जागरा का बड़ा है, कोई ऐसी पार्टी नहीं जिसमें वो ना गए हों, अगर आगे का भी उनका नहीं पता। दिल्ली के आनंद विहार बॉर्डर पर भयंकर जाम देखने को मिला है, वही जाम दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से आम लोग काफी परेशान नजर आए। भारत बंद के चलते चंडीगढ़ शिमला हाईवे पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, हिमाचल प्रदेश में जाने के लिए लोग सामान उठाकर जाते दिखाई दिए। गाजीपुर बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, किसानों ने यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर NH9 और NH24 पर जाम किया। गाजियाबाद में किसान यूनियन के बंद के ऐलान को देखते हुए पुलिस ने हापुड़ चंगी और यूपी गेट गाजीपुर बॉर्डर सहित कई मुख्य मार्गों को डायवर्ट किया। किसानों ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को गाजीपुर बॉर्डर पर जाम किया है, NH24 और NH9 दोनों जाम कर दिए गए। भारत बंद को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर तंज कसा है, लिखा है कि किसानों का अहिंसक सत्याग्रह आज भी अखंड है, लेकिन शोषणकार सरकार को ये नहीं पसंद, इसलिए आज भारत बंद है। गाजीपुर बॉर्डर के अलावा किसानों ने शंभू बॉर्डर भी जाम कर दिया। इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने कृषि कानून से बातचीत के लिए रास्ता निकालने के बयान पर सवाल किया तो उन्होंने कहा है कि कृषि मंत्री रट्टू है। टिकैत ने कहा है कि अगर सरकार कानून में 10 साल में सुधार करेगी तो यह आंदोलन 10 साल तक इसी तरीके से जारी रहेगा। टिकैत ने कहा है कि किसी के विचार को आप विचार से ही बदल सकते हैं, बंदूक की ताकत से आप विचार नहीं बदल सकते। कृषि मंत्री को लेकर उन्होंने कहा है कि वो रट्टू है, जैसे बचपन में पढ़ाया गया है उतना ही बोलेंगे। दिल्ली हिसार हाईवे पर रामायण टोल पर किसानों ने जाम लगाया, किसान सड़क पर बैठकर प्रदर्शन कर हिसार जिले में करीब 50 से ज्यादा जगहों पर किसानों ने जाम लगाया। भारत बंद के दौरान किसानों ने KMP बंद किया है, NH9 समेत झज्जर बेरी जाने वाले सभी मार्गों को भी बंद किया गया, किसानों ने बहादुरगढ़ से जाने वाले हर रास्ते को बंद किया। कुरुक्षेत्र में कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने भारत बंद किया, किसानों ने दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर भी जाम लगाया। भारत बंद के समर्थन में लोगों ने दुकान बंद कर दी है, बिरला मंदिर के आसपास भी भारी संख्या में किसान जुटे रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ कुरुक्षेत्र के वाल्मीकि चौक और कैथल मार्ग पर जाम लग गया। भारत बंद के मद्देनजर कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन और मलबा एक्सप्रेसवे और दादर एक्सप्रेस पर दोनों ट्रेनें शाम 4 बजे तक बंद रही। कुरुक्षेत्र में भारत बंद को लेकर महिलाओं की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली, महिलाएं कुरुक्षेत्र कैथल मार्ग पर सड़क जाम पर बैठी रही, कहा जब तक कि कृषि कानून रद्द नहीं होगा तब तक संघर्ष जारी रहेगा। सिरसा में किसानों ने भारत बंद का असर देखने को मिला है, वही सिरसा में रिलायंस पेट्रोल पंप को किसानों ने भारत बंद के समर्थन में बंद रखा, सुबह से ही पेट्रोल पंप बंद दिखाई दिए। करनाल में प्रदर्शनकारियों की दादागिरी सामने आई है, प्रदर्शनकारियों ने जबरन दुकानों को बंद करवा दिया जिससे दुकानदारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारी लाठी डंडे लेकर सड़क पर उतरे और SP ने जबरदस्ती दुकान बंद करवाने वाले को सूचना देने के आदेश जारी किए। कौशली में कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने गंगिया चिटोल को फ्री करवाया है, किसानों ने न केवल कृषि कानूनों का विरोध किया, उन्होंने निरस्त मांगों को भी पूरा करने की मांग की। टवाना में हिसार चंडीगढ़ रोड पर किसानों ने जाम लगा दिया, किसानों ने गांव कन्हाड़ी और स्मैन में जाम लगाकर प्रदर्शन किया। किसानों ने भारत बंद का असर गुरुग्राम में भी देखने को मिला है, पहले की तरह ही गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में सड़कों पर वाहन दौड़ते हुए नजर आए, तमाम मार्केट भी पहले की तरह ही खुले रहे। किसानों के भारत बंद के आह्वान पर फरीदाबाद में खास असर नहीं देखा गया, एक तरफ जहां बस अड्डे में से सभी बसों का संचालन सही ढंग से किया जा रहा था तो वही रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की आवाजाही जारी रही। प्रदेश के कई जगहों पर दिखा किसान के भारत बंद का असर, अंबाला में हाईवे के साथ साथ किसानों ने भारत बंद बाजार भी बंद रखे, इमरजेंसी के अलावा सभी वाहनों पर रोक लगा दी गई। केथल में किसानों के भारत बंद का असर साफ देखने को मिला, हाईवे पर किसानों ने जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। विधान भवन बनाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बड़ी कामयाबी मिली है, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात के बाद हरियाणा ने इस मामले में एक कदम और आगे बढ़ा लिया। इस मुलाकात के बाद चंडीगढ़ प्रशासन ने पंजाब और हरियाणा विधानसभा के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की।
मुलाकात के दौरान चंडीगढ़ प्रशासक ने हरियाणा विधानसभा के नए भवन के लिए 10 एकड़ भूमि दिलाने पर सहमति जताई। दिल्ली में मकान का किराया देने के वादे पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फंस गए हैं। हाईकोर्ट ने पूछा है कि भुगतान करने का कोई इरादा है या नहीं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने मार्च 2020 में गरीब किराएदार के किराए का भुगतान करने की घोषणा की थी, लेकिन इसे अब तक लागू नहीं किया गया। 22 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट के सिंगल जज बेंच ने इस घोषणा को लागू करने को बताया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने सिंगल जज के उस फैसले पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कोविड महामारी के दौरान गरीब किराएदार के किराए का भुगतान करने का वादा लागू करना योग्य है। 10 सितंबर को दिल्ली सरकार ने बताया था कि मामला विचाराधीन है और इस पर 2 हफ्ते में फैसला लिया जाएगा। आकाश मिसाइल के नए संस्करण आकाश प्राइम का सोमवार को ओडिशा के तट चंदीपुर के एकत्रित परीक्षण रेंज में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। आकाश प्राइम मिसाइल ने सुधार के बाद अपने फाइनल उड़ान परीक्षण में दुश्मनों के विमानों की नकल करते हुए एक मानव रहित हवाई लक्ष्य को रोका और उन्हें नष्ट किया। आकाश मिसाइल का नया संस्करण अपने पुराने संस्करण के मुकाबले कुछ बेहतर है और 25 किलोमीटर की दूरी पर भी निशाना लगा सकता है। सोनीपत सीआई को मिली कामयाबी। सीआई टीम ने अंतर्राज्यीय गिरोह के शातिर बदमाशों का भंडाफोड़ किया। दोनों बदमाश दिल्ली के हरावली इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि आरोपितों ने लूटपाट करने, रंगदारी मांगने, वाहन लूटने और जानलेवा हमले करने के 7 वारदात स्वीकार कर लिए। पुलिस ने दोनों बदमाशों को न्यायालय में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर भेजा। नरवाना में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। नरवाना से जिंद की तरफ तेज स्पीड में जा रही तेज रफ्तार गाड़ी ने पलवा बस अड्डे पर खड़ी कार में टक्कर मार दी। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल। हादसे में घायल हुए लोगों को जिंदल अस्पताल हिसार में उपचार के लिए भेजा गया है। एक्सीडेंट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। साइबर सिटी गुरुग्राम में कोरोना के बीच अब लगातार डेंगू और मलेरिया लोगों के लिए कहर बढ़ता जा रहा है। शहर में अभी तक 30 डेंगू के मामले सामने आए। गुरुग्राम में वायरल फीवर भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। डेंगू के मामलों को देखते हुए सोमवार को स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के अधिकारियों ने बैठक ली। बैठक में डेंगू से निपटने के लिए रणनीति बनाई गई। गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की टीम तैयार कर जागरूकता अभियान चलाने के साथ साथ शहर के अलग अलग हिस्सों में फॉगिंग और तेज कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग ने नगर निगम को ऐसे हॉटस्पॉट की लिस्ट भी जारी की। नूह में बरसात के कारण हुए जलभराव के कारण जिले में 48 डेंगू के नए केस सामने आए। डेंगू के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग में चिंता। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक वायरल बुखार से अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि 6 सदस्य 27 टीमों को गांव में स्प्रे के लिए भेजा गया। लोगों को मच्छरों से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि डेंगू से निपटने के लिए 75 टीमों को मैदान में उतारा गया। सभी टीमें घर घर जाकर लोगों की जाँच कर रही है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 14,902 नए मामले सामने आए। 24,238 रिकवरी हुए। 181 लोगों की कोरोना से मौत हुई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 2,563 नए केस सामने आए। एक दिन में 32 मरीजों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में अभी 37,000 से ज्यादा एक्टिव केस। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,000 से ज्यादा नए केस सामने। एक दिन में 58 मरीजों की मौत हुई है। केरल में अभी 1,00,000 से ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 32 नए केस सामने आए। एक दिन में 37 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में अभी 366 केस एक्टिव है। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7 नए केस सामने आए। एक दिन में 13 मरीज रिकवर हुए। प्रदेश में एक्टिव केस 329। देश में कोरोना से हालत अब भी काबू नहीं है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में एक निजी स्कूल में 32 छात्र कोविड पॉजिटिव पाए गए। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल ने निर्देश जारी किया। एलजी ने मध्य अक्टूबर तक सभी 18 से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाने का निर्देश जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लॉन्च किया। इस योजना के तहत देश के हर नागरिक की हेल्थ आईडी तैयार की जाएगी। पीएम मोदी ने कहा है कि अब हर किसी को हेल्थ आईडी मिलेगी। इसकी मदद से मरीज और डॉक्टर अपने रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं। इसमें डॉक्टर्स, नर्स समेत अन्य स्वास्थ्यकर्मी और रजिस्ट्रेशन होगा। पीएम मोदी बोले कि डिजिटल इंडिया अभियान ने देश के सामान्य नागरिक की ताकत बढ़ा दी। हमारे देश में के पास 130 करोड़ आधार नंबर है, 118 करोड़ मोबाइल यूजर है और 80 करोड़ इंटरनेट यूजर है और 43 करोड़ जनधन बैंक खाते हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि आरोग्य सेतु ऐप से कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में मदद मिली है। इसके साथ ही भारत सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन दे रहा है।
पीएम ने कहा है कि अब तक 90 करोड़ वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जिसमें कोविन का बहुत बड़ा रोल है और टेलीमेडिसिन ने सभी की मदद की है। आयुष्मान योजना के तहत अब तक 2 करोड़ देशवासी मुफ्त इलाज करवा चुके हैं। पीएम ने कहा है कि एक सहयोग से भी ये कार्यक्रम वर्ल्ड टूरिज्म डे पर आयोजित किया जा रहा है। पीएम बोले कि हेल्थ का टूरिज्म के साथ एक बड़ा मजबूत रिश्ता है, क्योंकि जब हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीग्रेटेड होता है, मजबूत होता है, तब उसका प्रभाव टूरिज्म सेक्टर पर भी पड़ता है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के हेल्थ सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए मेडिकल एजुकेशन में भी अभूतपूर्व रिस्पांस हो रहा है। 7 से 8 साल में पहले की तुलना में आज अधिक डॉक्टर्स और पैरामेडिकल मैनपावर देश में तैयार हो रही है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में एक ऐसे हेल्थ मॉडल पर काम जारी है जो होलिस्टिक हो और समावेशी हो, और एक ऐसा मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है जिसमें बीमारियों से बचा जा सके। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार रात नए संसद भवन के निर्माण स्थल का दौरा किया। उन्होंने निर्माण स्थल पर लगभग 1 घंटे बिताया और नए संसद भवन के निर्माण की स्थिति का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया। सेंट्रल विस्टा परियोजना की सितंबर 2019 में घोषणा की गई थी। 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजना की आधारशिला रखी थी। पीएम मोदी ने इस दौरान निर्माण स्थल पर काम कर रहे मजदूरों और कर्मचारियों से मुलाकात की। उन्होंने उनसे बात की और काम से जुड़ी जानकारियां हासिल की। बीएचयू ने यूजी पीजी उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए। देशभर में ये प्रवेश परीक्षा 28 सितंबर से 30 सितंबर और 1 से 4 अक्टूबर के बीच आयोजित की जाएगी। बॉलीवुड के शानदार एक्टर विक्की कौशल अपने फैंस के बीच नायाब एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। 27 सितंबर को विक्की कौशल की ड्रीम प्रोजेक्ट सरदार उधम सिंह का ट्रेलर रिलीज होगा। राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल करने के बाद विक्की कौशल की अगली फिल्म सरदार उधम सिंह की टीजर का फैंस काफी वक्त से इंतजार कर रहे थे, जो कि अब इंतजार खत्म हो गया। एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म थाईवी हाल ही में रिलीज हुई है। फिल्म में कंगना रनौत ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता का किरदार निभाया। कंगना ने फिल्म में जयललिता का किरदार निभाने के लिए अपना वजन 20 किलो तक बढ़ाया था और उन्होंने एक बार फिल्म से अपना वजन कम भी कर लिया। कंगना ने कहा है कि मेरे शरीर पर हमेशा के लिए स्ट्रेच मार्क्स भी बन गए हैं, लेकिन आपकी जिंदगी में आर्ट किसी कीमती के साथ आती है, जिसके लिए आर्टिस्ट की जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती। चक्रवाती तूफान गुलाब ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटों से जाकर टकरा सकता है। आईएमडी ने बताया कि ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके चक्रवाती गुलाब को देखते हुए पूरी तरह से तैयार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिण ओडिशा के तटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के महान ऑलराउंडर मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया है। मोइन अली ने सोमवार को संन्यास की पुष्टि की।